हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है प्रेशर गेज। देखते हैं प्रेशर गेज कैसे काम करता है। एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था ई बॉर्डन, जिन्होंने 1849 पे बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज बनाया, जिसका काम था कि हमें बहुत सारी चीजों को मेजरमेंट करके बताना, जैसे कि एयर का मेजरमेंट करके बताना, फिर वाटर का मेजरमेंट करके बताना, अगर कहीं बॉयलर है तो वहां पे एयर का प्रेशर कितना है वो मेजरमेंट करके बताना। तो ये सब काम बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज करता था। आइए हम समझते हैं कि बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज होता क्या है। तो बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज क्या है, एक तरीके से ये ट्रांसड्यूसर है जिसका काम है, ट्रांसड्यूसर मतलब एक सेंसर, ठीक है, जिसका काम है कि किसी चीज को सेंस करना, और सेंस करके मतलब हम जब उसमें प्रेशर इंसर्ट करेंगे उस प्रेशर को वो सेंस करेगा और उसके विद रिस्पेक्ट टू वो उसमें डिफ्लेक्शन होगा, मतलब उसके डायरेक्शन में चेंज होगा और वो हमें रीडिंग शो करेगा। तो आइए चलिए देखते हैं कि ये किस तरीके से काम करता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, और वो प्रिंसिपल का नाम है हुक्स लॉ। सबसे पहले जो प्रिंसिपल है उसका नाम है हुक्स लॉ। अब देखिए हुक्स लॉ में क्या होता है। हुक्स लॉ जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा है कि एक साइड में एक स्प्रिंग बना हुआ है और उसमें कुछ लोड लगाया गया है। तो आप सभी ने स्प्रिंग देखा होगा। स्प्रिंग में हम अगर कुछ लोड देंगे, सबसे पहले हम समझते हैं कि हुक्स लॉ क्या होता है। Hook's law is about stretching spring and wires. या Hook's law state that the extension is proportional to the force. कोई एक स्प्रिंग है, सिंपल एक स्प्रिंग है, और उसके नीचे हमने अगर फोर्स लगा दिया तो फोर्स लगाने के बाद क्या होगा, वो जो स्प्रिंग है वो स्ट्रेच होगा, मतलब उसमें कुछ तनाव पैदा होगा और जिसकी वजह से वो थोड़ा थोड़ा लंबा होता जाएगा। अब वो लंबा किसके प्रोपोर्शनल होगा, जितना उसमें लोड डालेंगे उसके प्रोपोर्शनली उसकी लेंथ बढ़ेगी, और यही हमारा Hook's law बोलता है, ठीक है। तो इसी के प्रिंसिपल पे हमारा जो ये बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज है ये काम करता है। यहाँ भी क्या होता है कि एक टाइप की जो एनर्जी है वो दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है, मतलब हम प्रेशर को यहाँ पे इंसर्ट करते हैं ट्यूब के अंदर और वो फिर कन्वर्ट होता है किसके, डिफॉर्मेशन या चेंज इन लेंथ के फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो आई होप आपको यहां तक जो हुक्स लॉ है वो समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ये काम करता है। तो आप बेसिकली आपको अब मैं एक वर्किंग मॉडल दिखाता हूं जिससे आपको समझ में आएगा कि हुक्स लॉ बेसिकली काम कैसे करता है। देखिए यहाँ पे हमने एक स्प्रिंग लिया है और उसमें कुछ वेट लगा दिया। अब देखिए वेट लगाने के बाद वो जो स्प्रिंग हल्का सा स्ट्रेच हुआ, अब हम क्या करेंगे उसमें और वेट लगा देंगे, उसके विद रिस्पेक्ट टू वो स्प्रिंग और स्ट्रेच होगा और बढ़ेगा, उसमें चेंजेस होंगे। तो यहां हमारा फॉर्मूला क्या हो गया, एफ इक्वल टू के इंटू एक्स, मतलब जितना हमने फोर्स लगाया उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब जितना हम उसको वेट देंगे उसी के अनुपात में वो जो स्प्रिंग है वो क्या होगा, स्ट्रेच होगा। तो हम क्या करेंगे, इसी फिनोमिना को इस बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज में यूज करेंगे। हम क्या करेंगे, एयर का प्रेशर देंगे। अभी यहां पे हमको एयर का प्रेशर पता नहीं है कितना है करके, तो हमने क्या किया, एयर का प्रेशर दिया, और एयर के प्रेशर को प्रेशर देने के बाद क्या होगा, उस ट्यूब में जो बॉर्डन ट्यूब है उसमें क्या होगा, ये होगा अपना डिफ्लेक्शन होगा, और वो डिफ्लेक्शन को हम मेजर करेंगे किसके फॉर्म में, चेंज इन लेंथ के फॉर्म में, यानी वहां पे क्या होगा कि उसका लेंथ चेंज हो जाएगा। तो आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि हुक्स लॉ क्या है और किस तरीके से काम करता है। आइए हम सबसे पहले इसके वर्किंग को देखते हैं, इसके कंस्ट्रक्शन को देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें लगी होती है। तो ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम में आपको दिख रहा है कि एक बॉर्डन ट्यूब बना हुआ है जो येलो कलर से दिख रहा है, ये हमेशा फास्फोरस ब्रॉन्ज मटेरियल से बना होता है, ठीक है। फास्फोरस बॉन्ड मटेरियल जो होता है वो एक तरीके से फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ठीक है। उसके बाद आप देखिए कि नीचे प्रेशर इनलेट लगा हुआ है जहां से एयर प्रेशर हम उसके अंदर इंसर्ट करेंगे। उसके बाद एक स्केल लगा हुआ है जो हमको रीडिंग शो करेगा, और फिर देखिए एक सेक्टर गियर लगा हुआ है। सेक्टर गियर मतलब क्या होता है, एक गियर का छोटा सा टुकड़ा, ठीक है, और उसी के जस्ट उसी से जो दूसरा कनेक्ट है वो है पिनियन। पिनियन मतलब एक छोटा सा गियर, छोटा गियर मतलब हमने सेक्टर जो लिया वो बड़ा लिया जिसमें नंबर ऑफ टीथ है, और जो पिनियन है वो छोटा है, ठीक है। अब पिनियन छोटा लेने का उद्देश्य क्या है यहाँ पे हमारा, वो हम समझते हैं थोड़ी देर में। तो पिनियन छोटा लेने का उद्देश्य ये है कि सेक्टर, अगर सेक्टर का थोड़ा सा मूवमेंट होगा तो पिनियन का मूवमेंट ज्यादा होगा, मतलब यहाँ पे क्या होगा कि एम्प्लीफिकेशन होगा, मतलब हमको जो हमने जो इनपुट दिया वो हमको आउटपुट ज्यादा फॉर्म में मिलेगा, यानी एम्प्लीफाइड होके मिलेगा। जैसे सिंपल एग्जांपल अगर आपको दूं मैं, आप सभी ने म्यूजिक सिस्टम सुना होगा ना, बहुत जगह आप देखते जहां डीजे वगैरह बजता है तो वहां पे एम्पलीफायर करके सिस्टम होता है,
एम्पलीफायर का काम क्या होता है, हम क्या करते हैं एम्पलीफायर में अपना मोबाइल लगाते हैं, ठीक है, मोबाइल का आवाज तो बहुत कम होता है, लेकिन एम्पलीफायर में लगाने के बाद फिर क्या होता है, हमको आवाज बहुत ज्यादा सुनाया जाता है। तो वहां पे वो जो एम्पलीफायर है वो क्या करता है, उस ऑडियो का जो इनपुट लेता है उसको लार्ज अमाउंट में कन्वर्ट करता है, मतलब उसको थोड़ा बड़ा करता है। तो वही काम यहाँ पे ये छोटा पिनियन करता है, जिससे हमको जो डायमेंशन है वो इजीली हमको समझ में आते हैं। तो वो एक पॉइंट पिनियन लगा हुआ है और पिनियन के ऊपर एक पॉइंटर लगा है जो हमको रीडिंग शो करेगा, ठीक है। यहाँ पे एक लिंकेज सिस्टम लगा है जो कि सेक्टर से लगा हुआ है, और सेक्टर कहाँ लगा हुआ है, जो हमारा बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज है, ठीक है, बॉर्डन ट्यूब का जो सी शेप का बना हुआ है उसका जो एंड पॉइंट है वहां पे लिंकेज लगा हुआ है। तो आई होप आपको इसका कंस्ट्रक्शन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, है ना, कि किस तरीके से क्या क्या चीजें होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भाई इसका वर्किंग कैसा है। आपको थोड़ा सा एक चीज और बता दूं मैं, कि अभी हमने जो डायग्राम देखा उसमें बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज का डिटेल था, अब यहाँ पे हमने उसका एक क्रॉस सेक्शन कट करके दिखाया है। बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज के एक्चुअल में अंदर में होता क्या है, जो सी शेप में आपको दिख रहा है ना, जो सी बना हुआ है, जो फॉस्फोरस बोरॉन का जो मटेरियल है, ठीक है, उसका क्रॉस सेक्शन यहाँ बाजू में देखिए जहां दिखा हुआ है क्रॉस सेक्शन ऑफ प्रेशर ट्यूब, ठीक है। तो उसका जो क्रॉस सेक्शन ऐसा होता है कि उसको बनाते हैं हम इलिप्टिकल शेप में। आपने अंडा देखा ना, इलिप्टिकल शेप मतलब अंडा, जैसे अंडा किस तरीके होता है उस तरीके से। और अंडे शेप बनाने का रीजन ये होता है कि अगर हम कोई चीज एकदम सर्कुलर रहेगा और उसके अंदर कोई प्रेशर डालेंगे, किसी चीज का फोर्स आएगा, तो फोर्स आने के बाद वो स्ट्रेच नहीं होगा, ठीक है, तो उसमें कोई डिफॉर्मेशन नहीं होगा। तो यहाँ पे उसको जो शेप है ओवल शेप बनाने का रीजन, बेसिक रीजन यही है कि उसकी वजह से क्या होता है कि वो ओवल शेप जो रहता है उसके अंदर जैसे जैसे प्रेशर भरेगा, चाहे आप लिक्विड फिल करो या गैस फिल करो या एयर फिल, जो भी फिल करोगे, तो क्या करेगा वो एयर क्या करेगा, उस फॉस्फोरस ब्राउन की जो बाउंड्रीज है उस बाउंड्री के ऊपर प्रेशर लगाएगा, और प्रेशर लगा के वो धीरे धीरे उसका जो ओवल शेप है उसको राउंड शेप में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा। और राउंड शेप में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा, उसी वजह से उसमें डिफॉर्मेशन होगा, मतलब चेंज इन डायमेंशन होंगे, और उसी की वजह से इस लिंकेज का मूवमेंट होगा, लिंकेज की वजह से सेक्टर का मूवमेंट होगा, और सेक्टर की वजह से पिनियन का मूवमेंट होगा, और पिनियन हमको रीडिंग शो करेगा। तो इस तरीके से इसका क्लियर कट वर्किंग है। अभी हम नेक्स्ट डायग्राम में देखेंगे कि किस तरीके से इसका और वर्किंग होता है। तो आगे बढ़ते हैं। अब आपको एक आपको मैं प्रैक्टिकली दिखाता हूं कि किस तरीके से इसमें हम डायमेंशन मेजर करते हैं। तो देखिए यह है डायल गेज। डायल गेज में आपको एक पॉइंटर दिख रहा है, वहां पे कुछ रीडिंग्स दिख रही है, ठीक है, दिख रही है रीडिंग सभी को। अब देखिए इसके अंदर का क्रॉस सेक्शन देखते हैं, तो ये जो येल्लो कलर में आपको दिख रहा है ये है फॉस्फोरस ब्रॉन का बना हुआ सी शेप, ठीक है। इसका क्रॉस सेक्शन मैंने बताया था आपको कैसा, इलिप्टिकल शेप का होता है, राउंड शेप का नहीं, इलिप्टिकल शेप का। अब देखिए यहां से कोई गैस या एयर अंदर आएगी, अंदर आने के बाद क्या होगा, वो लास्ट एंड तक जाएगी, ये जो एंड है लास्ट का एंड, ये पूरा पैक है, और ये उसका क्रॉस सेक्शन। ये क्या करेगा, उसके आउटर पेरिफेरी पे फोर्स लगाएगा उसको एक्सटेंड करने के, मतलब सर्कुलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। और सर्कुलर फॉर्म में जैसे कन्वर्ट हो धीरे धीरे होता जाएगा, उसकी वजह से जो सी शेप उसमें डिफॉर्मेशन होगा, दिख रहा है आपको कि ये ऊपर जा रहा थोड़ा नीचे आ रहा है, और इससे क्या कनेक्ट है, यहाँ पे एक लिंकेज कनेक्ट है। देखिए अभी आपको एक सेक्टर दिख जाएगा, ये लिंकेज किससे कनेक्ट है, जो हमारा सी शेप का जो ट्यूब था उसके लास्ट एंड से ये लिंकेज कनेक्ट है। अब लिंकेज का मूवमेंट होगा उसके साथ में, लिंकेज का मूवमेंट होगा उसी के साथ में फिर किसका मूवमेंट होगा, हमारा जो सेक्टर है सेक्टर का मूवमेंट होगा, और सेक्टर के साथ में कौन लगा रहेगा, पिनियन लगा रहेगा, उस पिनियन का मूवमेंट होगा, और पिनियन के साथ में क्या लगा रहेगा, एक पॉइंटर लगा रहेगा, वो पॉइंटर हमको रीडिंग शो करेगा, ठीक है, पॉइंटर हमको रीडिंग शो करेगा। और इस तरीके से हमको जो है पूरा रीडिंग समझ में आ जाएगा। जैसे अगर हम एग्जांपल ले, अगर हमको हवा चेक करना है ना, गाड़ी में हम हवा चेक करते, हमने भी सभी लोगों ने गाड़ी में की हवा चेक किया है, तो क्या होता है कि बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज का जो नॉब रहता है उसको हम कहाँ लगाते हैं, टायर की नली पे लगाते हैं। टायर की नली पे लगाने के बाद हम जैसे ही उस नली को उसके अंदर इंसर्ट करते हैं, तो अंदर में एक स्प्रिंग जैसा नॉब होता है, ये क्या करता है उसको टच करता है। टच करने के बाद टायर के अंदर जो एयर का प्रेशर है वो कहाँ आता है, उस बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज के अंदर में आता है, और अंदर आने के बाद जो सी शेप की जो ट्यूब है उसको वो उसके डायमेंशन को स्ट्रेट करने की कोशिश करता है, और उसकी वजह से उसमें डिफॉर्मेशन होता है और हमको डायमेंशन शो करता है। तो आई होप आपको इसकी वर्किंग समझ में आ गई होगी। तो आगे बढ़ते हैं हम इसके एप्लीकेशंस के बारे में।
एप्लीकेशंस क्या है इसके कि हम इसको कहाँ कहाँ यूज करते हैं। हम इसको टायर का प्रेशर चेक करने के लिए यूज करते हैं, बॉयलर में यूज करते हैं, बॉयलर में कि जो वेपर का प्रेशर कितना है, ठीक है। फिर हम इसको वाटर जिस जगह से वाटर पाइपलाइन में यूज करते हैं जहाँ से लिक्विड फ्लो हो रहा है, बहुत सारी पाइपलाइन जहाँ से पेट्रोल डीजल वगैरह फ्लो होता है वहां पे यूज करते हैं, यानी ऐसा। या इसको रेफ्रिजरेशन प्लांट में यूज करते हैं जहाँ पे दूध बनता है, वहां भी वो जो दूध है या वाटर है उसका प्रेशर कितना है उसको यूज करने, उसको चेक करने के लिए यूज करते हैं। तो इसके एप्लीकेशन बहुत सारे हैं। एप्लीकेशन के बाद हम आगे बढ़ते हैं तो आता है इसके एडवांटेजेस। अब इसके एडवांटेज क्या है कि बहुत ही सिंपल डिवाइस है, इसको हम जनरली लो से मीडियम से लेके मॉडरेट प्रेशर तक मेजर करने के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन बहुत सिंपल है, इजीली अवेलेबल है और साथ साथ इसका कॉस्ट भी बहुत कम है। तो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ दिस मॉडर्न ट्यूब प्रेशर गेज। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह के बेहतरीन वीडियो के लिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।